ये है व्यूज पॉइंट माँ गंगा और ये पूरा उत्तरकाशी। ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ बिमलेश्वर मंदिर, क्योंकि यहाँ पे भक्त लोग आए हुए थे राजस्थान से और पीछे छत्तीसगढ़ से आए हुए थे, तो इन सभी लोगों को बिमलेश्वर मंदिर के दर्शन कराने लेकर के जा रहे हैं। और हम आश्रम से निकले तो बारिश शुरू हो गई थी, फिर भी गाड़ी थी तो अभी चलते हैं और छतरी भी ले लिए हैं, हिमालय में आए हुए हैं तो इनको वहाँ पे दर्शन करा देते हैं और भी आसपास के जो भी तीर्थ हैं उनके भी दर्शन कराएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर बिमलेश्वर मंदिर के पास में। अब यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है और फिर बिमलेश्वर मंदिर आएगा। तो संग्राली गांव भी है इस साइड में नीचे। बिमलेश्वर मंदिर उत्तरकाशी का काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ पर भक्त लोग आते रहते हैं। शिवरात्रि पर भी अच्छा कार्यक्रम होता है यहाँ, और भी शिव महापुराण भी हुआ था पिछली बार। और यहीं से ही शिखरेश्वर भी जाते हैं, यहाँ से एक रास्ता है। ये यहाँ जो साल भर में जो वारुणी यात्रा निकलती है तो उसका ये मार्ग में पड़ता है शिखरेश्वर बिमलेश्वर, फिर यहाँ से नीचे उतर करके भक्त लोग लक्षेश्वर जाते हैं। पिछली बार आया था तो ये पूरा रास्ता खिसक गया था, तभी इन्होंने नया रास्ता बनाया है यहाँ का। पहाड़ों में ऐसे ही रहता है, कभी भी रास्ते खिसक जाते हैं। नीचे पूरा खिसक गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ देवदार के वृक्ष हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती है। अब हम पहुंच चुके हैं बिमलेश्वर मंदिर के पास में। खूबसूरत गेट दिखाई दे रहा है और भक्त लोग भी इतनी ऊपर चढ़ाई पे आ गए हैं। कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है। नेकी जी कभी आए थे इतने ऊपर? नहीं नहीं गुरुदेव, आप लेके आए आए थे कभी? बहुत है, यहाँ का सबसे खूबसूरत मंदिर है, बहुत पुराना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहुंच चुके हैं बिमलेश्वर मंदिर, चलो दर्शन करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोग दर्शन कर सकते हैं विमलेश्वर महादेव जी के।
ये संग्राली गांव में पड़ता है बिमलेश्वर मंदिर, और ये महाराज लोगों की कुटिया है। और नीचे का व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है पहाड़ों का। कैसा लगा यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत अच्छा आनंद आ गया। और कर दिया कल से, मैं कल से पड़ा हुआ। अभी हम बिमलेश्वर मंदिर के दर्शन करके अब हम नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पर बिमलेश्वर मंदिर में एक महाराज जी रहते हैं, और वो 2 दिन से यहाँ पर बीमार हैं, लेकिन कोई भी यहाँ समिति का, मंदिर का या गांव का या कोई भी उनको दवाई देने वाला नहीं आया अभी तक। और जो है कि आप देखिए कि अगर जो महात्मा रहता है वो पूरी सेवा करता है, मंदिर की सब कुछ करता है, और इतने सालों से अपना जीवन दिया हुआ रहता है, लेकिन जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है महात्मा, तो कोई भी उसका ध्यान रखने वाला नहीं होता। अभी हम गए उनसे मिले, बोले 2 दिन से हमको चक्कर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई दवाई भी नहीं दिया है, और 2 दिन से उन्होंने खाया भी नहीं है। अब आ गए दर्शन करके नीचे, और फिर अभी धीरे जा रहे हैं। इधर संग्रहालय के आगे व्यूज पॉइंट है उत्तरकाशी का, तो देखेंगे, और फिर अभी उजाला है, फिर उसके बाद में मार्केट चलेंगे। अब हम आगे जा रहे हैं संग्रहालय में, जो व्यूज पॉइंट है यहाँ से उत्तरकाशी दिखता है। एक बार यहाँ उत्तरकाशी में आपदा आई थी, तो यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था, तो बहुत सारे पत्थर नीचे जा कर के गिरे थे, फिर यहाँ पर इसको अच्छे से बनाया गया था। जब आपदा आई थी तो यहीं से ही पूरा पहाड़ नीचे खिसक गया था। ये नीचे उत्तरकाशी है, ये पूरे पहाड़ को RCC कर दिए हैं, और कितनी मेहनत लगी होगी, कितना खर्चा आया होगा इसके ऊपर। और यहाँ से ये लोहे की दीवार भी बनाए हैं। ये है व्यूज पॉइंट माँ गंगा, और ये पूरा उत्तरकाशी। देखो यहाँ से कितना मस्त दिख रहा है। चलो यहाँ से पूरे उत्तरकाशी का खूबसूरत नज़ारे दिखाई दिए। और ये संग्राली में पड़ता है, उत्तरकाशी से लगभग 12-13 किलोमीटर होगा, और खूबसूरत जगह है, व्यूज पॉइंट है उत्तरकाशी का। तो सारे लोगों ने नेगी जी के भी 2-4 फोटो खींचे, अब ये शर्मा रहे हैं पता नहीं क्यों। यहाँ पे सब लोग नाश्ता करते हुए,